हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे वो इसके अंदर स्टडी करेंगे स्लाइड शो, जो लास्ट मेन्यू बच है। अब तक मैं वीडियो में जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फॉर्मेट टूल्स वही है जो आप मैं एमएस वर्ड में डिस्कस करते हुए, आज हम स्लाइड शो के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिट स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ जुबलिन। तो देखिएगा मेरी इसके अंदर ये स्लाइड है, तो इसके अंदर हम स्लाइड के अंदर काम करते हैं कुछ। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ के इसके अंदर वी शो है। वी शो क्या करते हैं, हम इसको स्लाइड हमारी एग्जीक्यूशन में ओके आ जाएगी। ओके, इसको राइट क्लिक करके मैं एंड शो कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आपका हमारा आता है यहाँ पे सेटअप शो। सेटअप शो क्या होता है कि जैसे मैं सेटअप शो पे क्लिक करता हूँ तो पहले आता है स्लाइड शो स्लाइड्स, वो कह रहा है कि ऑल। यहाँ पे मैं करता हूँ शो। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक शो करनी, मुझे यहाँ से यहाँ तक शो करनी है। ओके, 1 से 3 और यहाँ से क्या करेंगे ओके। अब आप F5 प्रेस कीजिएगा तो गिरेगा, आ रही है, यानी कि आपने 1 से 3 तक स्लाइड आएगी तो केवल 1 से 3 तक ही स्लाइड इसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा। चलते रहिएगा, क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट। देखिएगा इसके बाद स्लाइड का एंड हो जाएगा। यदि मुझे सभी स्लाइड शो करनी होती है तो सेटअप शो में जाके आप उसको यहाँ से ऑल कर सकते हैं और फिर ओके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इसके अंदर रिसर्च टाइमिंग। हर स्लाइड का अपना एक टाइमिंग, ये हर स्लाइड का टाइम, ये देखेगी ऑल स्लाइड टाइम, ये स्लाइड टाइम से ये देखेगा। चलें रिहर्सल टाइमिंग क्लिक करते लीजिएगा, ये इससे नोट होता है कि कौन से स्लाइड कितने सेकंड कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ये टोटल जो स्लाइड टाइम है 32 सेकंड, इसको यहाँ से यस करेंगे। देखिएगा ये 22 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड। ओके, क्योंकि इसमें एनिमेशन ज्यादा था तो इसलिए ये 22 सेकंड। इसके बाद वेव में जाके आप इसको यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है इसके अंदर यहाँ पे एक्शन बटन। एक्शन बटन का काम क्या होता है, मैं कहना चाहता हूँ जैसे मेरी कोई स्लाइड है, मैं जैसे ये वाली स्लाइड है, मैं इस स्लाइड पर कोई बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस बटन पे जाके यहाँ पे कोई भी एक बटन क्रिएट कर दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बटन बना दिया और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। अब इस बटन बनाने के कुछ इफेक्ट होना चाहिए, कुछ इवेंट होनी चाहिए, तो वो इवेंट हम कहाँ से डालेंगे इसके अंदर, कुछ एक्शन इवेंट, तो वो डालेंगे हम यहाँ पे एक्शन सेटिंग के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ जैसे इस बटन पर क्लिक, उस बटन पर क्लिक करने से क्या आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड या लास्ट स्लाइड, मुझे लास्ट स्लाइड चाहिए। इसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे आप ओके कर देंगे। अब आप जैसे ही आप फाइव वो लास्ट स्लाइड पर आ जाएगी हमारी स्लाइड। देखिएगा इस बटन पर क्लिक करेंगे, अभी आप वेट कीजिए क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट स्लाइड चल रही है। क्लिक करें तो देखिएगा ये सीधा लास्ट स्लाइड पे आ चुका है और फिर एंड हो चुका है। इसके अंदर और भी एक्शन डाल सकते हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक्शन सेटिंग। यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक किया मैंने लास्ट स्लाइड से, मुझे कोई प्रोग्राम रन करना, यस प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। यहाँ से इसको ब्राउज कर दिया, यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ प्रोग्राम्स है, तो मैं ऑल फाइल ले लेता हूँ। मुझे कौन सी फाइल से, जैसे मुझे बनाना है यहाँ पे इंटेल की फाइल से करना है या मुझे कोई लेजर की फाइल से कनेक्ट करना है, और ओके इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे वी शो, अब बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सम फाइल कंटेन वायरसेज और अदरवाइज इज हार्मफुल टू योर कंप्यूटर, यानी कि ये फाइल अगर आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ये फाइल वायरसेज भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है आपके कंप्यूटर के लिए। यू शुड बी सर्टेन दिस इज द फाइल द ट्रस्ट रिलीजियस सोर्स यू डू एंड लाइक द ओपन, इसको यस कर देंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर इस फाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए, तो फाइल अपना आप ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती रहेगी। देखिएगा चल रहा है, अभी वेट कीजिए, हमारी साथ फाइल ओपन हो रही होगी। नेक्स्ट वेट कीजिए, हो जाएगा अभी वेट प्रोसेस। ये देखिएगा ये नीचे एक्सेल,
लेजर की मैंने फाइल सेलेक्ट की थी, देखिएगा यहाँ पे लेजर की फाइल ओपन हो चुकी है। ओके, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी, अगर हमें इसके अंदर से एक्शंस को रिमूव करना है तो एक्शंस को हटाने के लिए वहीं पे एक्शन सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ से उसको नन करके यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर, वो आता है यहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन स्कीम। देखिएगा कस्टम एनिमेशन और एनिमेशन, ये दोनों एनिमेशन से रिलेटेड है। कस्टम एनिमेशन का काम क्या होता है, पहले तो मैं कस्टम एनिमेशन का काम बताता हूँ आपको। जैसे देखिएगा मुझे इसमें एनिमेशन डालना है, तो ये मैंने जो एक स्पेसिफिक टाइटल सेलेक्ट किया इसको कस्टम बोलते हैं। इसे कस्टम यानी कि योर चॉइस। आप यहाँ पे जैसे स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे आप कस्टम एनिमेशन करेंगे तो देखिएगा ऐड पे, अगर मैं नहीं सिलेक्ट करता तो ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है। तो ये कहता है कि एक कस्टम एनिमेशन आपको कोई एक कोई स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप बटन करें, चाहे आप स्माइल करें, चाहे आप सेकंड टाइटल करें, चाहे आप फर्स्ट टाइटल करें, और उसके बाद इसको ऐड करके आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एनिमेशन स्कीम ये कहता है कि आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी ये स्लाइड्स हैं यानी कि ये एक स्पेसिफिक स्लाइड के अंदर आप पूरी एक स्लाइड के अंदर एनिमेशन इन्वॉल्व कर सकते हो। देखिएगा पूरी एक स्लाइड के अंदर मुझे ना तो नीम को सिलेक्ट करना पड़ा ना सॉन्ग को। देखिएगा आप अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ओके देखिएगा अंडरलाइन हाइलाइट्स, ओके ये रहा, और भी बहुत से एनिमेशंस हैं एग्जिटिंग्स, ये रहा देखिएगा आ रहा है ना दोनों स्लाइड्स के अंदर, ये रहा ओके। उसको चला के भी देख सकते हैं आप यहाँ से प्ले से, ये इस तरह से होता है। ओके नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहाँ पे एनिमेशन स्कीम, इसके बाद आता है स्लाइड ट्रांजिशंस। ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं आपको, लेफ्ट वर्टिकल डाउन हॉरिजॉन्टल जहां से भी लेके आना है। मान लो सपोज करो मुझे क्या करना है, अनकवर डाउन आज से आता रहिए, अनकवर डाउन या स्प्लिट आउट हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आउट हो जाना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट डाउन हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ से इसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं आप, कर सकते हैं यहाँ से आप इसके अंदर साउंड अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा साउंड आ रही है ना, ये रहा, कोई भी साउंड अप्लाई कर सकते हैं जो आपका मन करे, ये रहा ओके। उसके बाद साउंड लेने के बाद आप, मैं कहना चाहता हूँ कितने सेकंड बाद चलना चाहिए, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, और उसके बाद मैं कर सकता हूँ अप्लाई टू ऑल, और यहाँ से इसको प्ले कर दीजिए। तो देखिएगा वो सभी में चला, या यहाँ से स्लाइड शो कर दीजिएगा, देखिएगा चल रहा है ओके। तो सभी में अप्लाई मैंने कर चुका है, यदि आप अलग अलग करना चाहते हो तो उसको अलग अलग भी साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इससे हम साउंड एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी इसके अंदर है यहाँ पे हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड क्या होता है, मैं कहना चाहता हूँ जो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है मुझे नहीं दिखानी, तो उसके लिए क्या कर देंगे यहाँ पे हाइड स्लाइड कर देंगे। लेकिन ये तो आ रही है नहीं, या नहीं होगी वो हाइड, आप इसको यहाँ पे F5 कीजिएगा, इंट्रोडक्शन आ रहा है, इंट्रोडक्शन की स्लाइड आई है वो स्लाइड शो में हाइड होगी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अगर उसको मुझे दिखाना है तो आप उसको दोबारा वहीं पे जाके हाइड कर देंगे, अनहाइड हो जाएगी वो वहाँ से। तो इस पे देखेंगे आप यहाँ पे कट भी लग रहा हो, दिखाई दे रहा है आपको, तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे हाइड स्लाइड कर दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अब आपको वो शो हो जाएगी। F5 कीजिएगा प्रेस आप कीबोर्ड से, इंट्रोडक्शन आ रहा है नहीं आ रहा ना, ए अब आ रहा है, ए आ गया, अच्छा यार आ गया ओके, एंड शो कर देता हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे कस्टम शो। अब तक मैं क्या कर रहा था, स्लाइड को या तो बिगनिंग से देख रहा था या जिस करंट स्लाइड से देख रहा था, अब की बार मेरी चॉइस होगी, जो मुझे चाहिए मुझे वही स्लाइड देखनी, तो कस्टम शो में जाइए। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसको यहाँ से न्यू करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे कौन सी, एक तो नेम की देखनी है, एक फादर्स नेम की देखनी है, एक मदर नेम की देखनी है, और एक मुझे क्लास की देखनी है। उसके बाद मुझे क्या कर देना चाहिए, ओके, देखने के लिए क्या करना चाहिए, शो चेक कीजिएगा कौन सी ली थी, पहले मैंने नेम, फिर कौन सी ली थी मैंने फादर्स नेम, देखिए फादर्स नेम की स्लाइड आ रही है। इसके बाद कौन सी ली थी, मदर्स नेम, मदर नेम की आ रही है, क्लास की आ रही है, ओके एंड शो हो चुका है। तो ये था हमारे इसके अंदर स्लाइड शो मेन्यू। हेलो व्यूअर्स, कैसा लगा आपका मेरा वीडियो, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो पर आप कमेंट करके आप उसे क्वेरी कर सकते हैं। यदि आपको क्वेरी में कोई क्वेश्चन नहीं हेल्प हो रहा है तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मैसेज करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको मिले। और हाँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का आपको अपडेशन मिलता रहे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।